अभी मैं आया हूँ कॉलोनी के मेन गेट पे, क्योंकि मेरा एक पार्सल आया है जो कि है मेरे बाइक का कैनन, मतलब एयर फिल्टर कह सकते हैं वो, तो वही लेने आया हूँ। तो पार्सल मैंने ले लिया है, अभी इसको ऊपर चल के सैनिटाइज़ करेंगे, और सैनिटाइज़ करने के बाद कल सुबह अपन इसको बाइक में लगाएंगे। एंड अभी बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो रही है, बस यही कहना था। तो मेरे से रुका नहीं गया बिल्कुल भी, क्योंकि क्या है, काफ़ी दिनों से वेट चल रहा था इसका। एंड ये है कैनन जो कि मैंने मंगाया है, एंड ये मुझे पड़ा कुछ 450 रुपये का। एंड इसको जो है फिट भी हम खुद करने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअल में आप लोग को दिख नहीं रहा, दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर लगेगा, इसको यहाँ से निकाल के इसको फिट करना है अपन को। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं इससे वो प्लस वाला लाने बोला था, माइनस वाला ले आई, अब इसको खोलने में प्रॉब्लम जा रही है। तो एट लास्ट इस वाले स्क्रू ड्राइवर से तो वो खुला नहीं, तो दूसरा स्क्रू ड्राइवर मंगवाया है। अरे यार मच्छर, एंड इससे खोलने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग। आ जाओ, तो भाई आखिरकार निकल गया ये, और अब बारी है इसको लगाने की। इसको रखते हैं यहाँ और इसको लगाते हैं। बहुत ही दिक्कत है, पता है। बेसिकली आप लोगों को कुछ दिनों से मेरा व्लॉग नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी क्या, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो हमारे कॉलोनी की एक बिल्डिंग है वो हो चुकी है सील, क्योंकि यहाँ पर एक कोविड पेशेंट, एक नहीं दो कोविड पेशेंट मिले थे। एंड इसी की वजह से, क्योंकि पापा भी जिनको कोविड हुआ है उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, मतलब इतने पास से नहीं आए थे, बट थोड़ा बहुत डिस्टेंस था उन अंकल में और पापा में, फिर भी पापा ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। एंड जब ये दोनों मिले थे तब मैं बाहर था, और जैसे ही वापस ये लोग घर आए तब पता चला कि इनको कोविड है। तो पापा ने कहा कि तू बाहर ही रहना, क्योंकि कॉलोनी तो हो सकता है कि लॉकडाउन हो रही है, या फिर मैं क्वारंटाइन में जा रहा हूँ तो तेरे को दुकान संभालनी पड़ेगी, सो यू हैव टू बी आउटसाइड द होम। तो इसीलिए मैं बाहर चला गया, एंड मैं एक हफ्ते तक घर पे नहीं आया। अभी जाके थोड़े बहुत चीज़ें सेटल हुई है तो घर आया, एंड जैसे ही घर आया तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि रायगढ़ फिर से लॉकडाउन हो गया है 2 हफ्तों के लिए।
बेसिकली ब्रेड्स वगैरह लेने गया था, बट ब्रेड सारे ख़त्म हो गए क्योंकि सब घर पर बैठे हैं, तो सुबह सुबह जाके धावा बोल देते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो लोग लेके चले जाते हैं। तो मुझे मिली है सिर्फ मौसम्बी, एंड उसका मैं क्या करने वाला बता रहा। तो ये जो चीज़ है ये है मेरे जूसर, ये मैंने ख़रीदा था बिग बाज़ार से सेल में, एंड इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो आज इसे यूज़ करके हमें जूस बनाना है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मोटा हो गया हूँ, एंड जिमिंग वगैरह भी शुरू कर चुका हूँ। यहाँ पर मेरे वेट्स हैं, मे भी आपको लाइट में दिख नहीं रहे होंगे। तो ये सब अपन करने वाले हैं। कैमरे की बैटरी भी ख़त्म एंड लाइट भी चली गई, तो कैमरा चार्ज करते हैं फिर जूस निकालते हैं। अब जा रहे हैं हम पतंग उड़ाने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लॉकडाउन है तो हमको और कोई काम है नहीं, मतलब काम है बट वो काम अपन बाकी दिनों में करते हैं। आज अपना थोड़ा वीक डे ऑफ है तो इसीलिए हम जा रहे हैं पतंग उड़ाने। तो ये पतंग तो उड़ नहीं पाई क्योंकि कल हमने इसको उड़ाया था तो ये बहुत ऊपर गई थी, एंड जब ये ऊपर थी तब बारिश शुरू हो गई थी तो ये पतंग गीली हो गई थी, इसको सुखा के रखा था। आज ये जिस हिसाब से उड़ रही है ना, ये उल्टी उड़ रही है ऊपर, मतलब सीधी नहीं उड़ रही, उल्टी होके ऊपर उड़ रही है। तो इसलिए मैंने एक नई पतंग मंगवाई है एंड वो पतंग में अपन ट्राई करेंगे। तब तक मौसम बहुत ज़्यादा मतलब एकदम झक्कास हो रखा है, तो आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो जब तक वो पतंग आती है। प्लानिंग कर रही है पतंग को गिराना है, और आज एक स्पेशल चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब तक पतंग आकाश में पता नहीं गिर रही है कि नहीं गिर रही है, आज मैंने शुरू किया अपने एक नया स्टार्टअप जिसका नाम है 218, क्योंकि आज 21 अगस्त है तो इसीलिए उसका नाम 218 स्टूडियोज है। ज़्यादा नाम रखने में मैंने दिमाग नहीं खपाया, एंड ये बेसिकली स्टार्टअप है प्रोडक्शन का, डिजिटल मार्केटिंग का। तो अभी बेसिकली हमने 3-4 क्लाइंट पे इसको पकड़ के रखा है, एंड इफ़ यू वांट कि हम आपके प्रोडक्ट की भी डिजिटल मार्केटिंग करें, आपके प्रोडक्ट्स के लिए एड्स बनाएं और काफ़ी और भी चीज़ें जो है सर्विसेज, वो एक स्पेसिफिक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो करें, देन यू शुड गो एंड फॉलो अस ऑन 218 स्टूडियोज इन इंस्टाग्राम। एंड हाँ, पतंग अभी एकदम पैरेलल हो रखी है। ये था कुछ आज के ब्लॉग के बारे में। अभी लाइफ कुछ ऐसी चल रही है, बस आप अपने में कितना एंजॉय कर सकते हो वो अच्छी चीज़ है। नहीं तो मैंने तो कई सारी चीज़ें सोची थी 2020 जब शुरू हुआ था तब, कि शिव जी के जो 12 लिंग हैं इंडिया में उसके दर्शन करेंगे, एंड फिर उसके बाद बहुत सारी जगह जाएंगे घूमने के लिए, ट्रैवल ब्लॉग्स मतलब डबल ट्रिपल कर देंगे ताकि आप लोग को भी देखने को अच्छा लगे, बट वैसा कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि तो बेसिकली मैंने एक नया बिज़नेस शुरू किया है जिसका नाम है 218, क्योंकि केसी नेस्टेड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो उन्होंने अपने बिज़नेस का नाम रखा था 368, तो मैंने रखा है 218। एंड इसके पीछे एक और चीज़ है, वो ये है कि आज है 21st of August, तो इसलिए मैंने इसको 218 रखा है, ये मेन रीज़न है। तो ये बेसिकली बिज़नेस क्या करता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है उसके बारे में आप लोग एक अगले ब्लॉग में बताऊँगा, नहीं तो आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में, एंड नीचे 218 का इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हो, एंड
काफ़ी सारी अच्छे अच्छे पोस्ट एंड IGTV रील्स का मज़ा ले सकते हो। मिलता हूँ, तब तक के लिए पीस।